नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर मेडिकल फील्ड में हंगामा मचा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में एजेंसी द्वारा धांधली की गई है। एनटीए के विरोध में सभी छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एग्जाम को निष्पक्षता से दोबारा कराया जाए। इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। नागपुर में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वैरायटी स्क्वायर पर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी नागपुर महानगर द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को उच्च स्तरीय जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की गई। आज का ये जो आंदोलन है, ये नीट एग्ज़ाम के लिए होने जा रहा है। नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट जो 14 जून को आने वाला था, वो 10 दिन पहले 4 जून को आ चुका है। और ये रिजल्ट में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिले जा रहे। एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे 14 लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिले जा रहे हैं। तो इसमें पेपर पहले लीक हुआ है क्या? फिर यहाँ पे कितनी मुश्किलें आई है बच्चों को, बहुत तकलीफ़ें हो रही है इन सब चीज़ों के वजह से। जिन्होंने पहले से पढ़ाई की है उन लोगों को मार्क्स कम मिले, और लिमिटेड बच्चों पे फोकस किए जाकर उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स दिए गए हैं। ये सब प्रश्न निर्माण आते हैं। तो इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा CBI जांच मांग की जाती है, और ये आज आंदोलन पूरे भारत भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम है? नमस्ते, नुपुर विवेक देशपांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागपुर महानगर सहमंत्री। पीछे ले।